now we'll find potential due to charge this. Potential due to charge this. Potential due to charge this. So this is a charge this. And this is the radius, this is the center, and there is a point P at a distance x, or at a distance r, x little, at a distance x from the center, and you have to find potential at point P due to this charge. Again, there are two rules. You will take a charge element dq, and then you will find potential due to that charge element, and then you will integrate with the proper limit na to find the potential. yani ki pehle kya karoge, aap dq loge case ki wajah se, pehle to dl loge aur fir iske wajah se dq loge na, aur fir iske wajah se dv find karoge na, clear? aur wo kya ho jayega, dv is equal to 1 upon 4 pi epsilon or dq upon r square, jo distance between the dl element and the point part, the point where you want to find the पोटेंशियल. तो v का होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर. दिस इज द रूल. यार यार ये तो जीवन से नहीं हटेगा यार इसका. क्लियर? सॉरी मैं r स्क्वायर हमेशा यूज कर दे रहा हूं. क्लियर? सो व्हाट ये हो गया बाबू. दूसरा रूल ये भी है कि v इज इक्वल टू e डॉट dr r1 टू r2. चॉइस इज योर. इससे भी करोगे ऐसे भी करोगे, रिजल्ट विल बी सेम. थोड़ा सा ये थोड़ा सा टफ होगा, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. ये इजी है, इजी वाला मैं करा देता हूँ, टफ वाला तुम करोगे. पेपर में भी यही होता है, टीचर आसान आसान क्वेश्चन करवा देता है और पेपर में टफ पूछता है. ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डअप के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम घर पर इसको करोगे तुमसे. क्लियर? और बाकी मैं करा दूंगा. क्लियर? नहीं आएगा तो फिर मैं करा दूंगा. कोई दिक्कत करोगे ना इससे? सो दो होमवर्क हो गए, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. और करके मुझे चाहिए, ठीक है? करके मुझे भेजोगे. क्लियर? क्लियर? ये करके मुझे भेजोगे. रिंग वाले केस में भी था, ऐसे केस में था. देखो करने को तो ये रूल है, इससे काफी है, इससे कर लोगे आंसर आ जाएगा. लेकिन इससे थोड़ा बहुत चीजें समझ, मान लो ये भी डेफिनेशन है ना, तो इससे कर लेंगे तो इससे क्यों नहीं करेंगे आप? ना इससे भी करेंगे, सीखना है. अगर पास कर रहा है एग्जामिनेशन खाली और रिजल्ट ला रहा है तो फिर तो ये कर लेना. तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसको करने के लिए. लेकिन अगर कुछ सीखना चाहते हो, फील लेना चाहते हो, फ्लेवर लेना चाहते हो, एक होता है खाना बनाने में ना, खाना खाकर पेट भरना, एक होता है उसके फ्लेवर को है ना मजे लेना. ठीक है? तो फ्लेवर लेना है तो इसको जरूर करोगे, और पेट भरना तो इसको करोगे. चलो तो मैं ये करता हूँ, ये करूँगा. क्लियर? सो लिख लो, उसके बाद में शुरू करता हूँ. दिस इज योर दिस. क्लियर? एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज द सेंटर, एंड दिस इज द पॉइंट x, एट द पॉइंट p एट द डिस्टेंस x, एंड हमने v भी फाइंड करना. तो अपना रूल क्या है, वी विल चूज अ dl एलिमेंट, एंड देन वी विल फाइंड चार्ज ऑन दैट dl एलिमेंट हियर, एंड देन वी विल फाइंड dv दैट ड्यू टू dl एलिमेंट व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r. अब देखो होगा क्या, आर नहीं अब जेड ले लेते हैं. चलो मैं बताता हूँ आर. चलो होगा क्या, अब देखो दिस इज ए डिस. सो फॉर ए डिस योर लाइन चार्ज एलिमेंट विल बी फॉर ए डिस, योर चार्ज एलिमेंट विल बी फॉर ए स्फीयर. चार्ज एलिमेंट इज, देखो अगर एल लेंथ है इसका, तो चार्ज एलिमेंट क्या होगा इसका, dl होगा ना. अगर रिंग है तब इसका चार्ज एलिमेंट क्या होगा, dl होगा ना. अगर सोल्डर स्फीयर है, सोल्डर स्फीयर उसी के साथ चार्ज एलिमेंट क्या होगा, एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x dx थिकनेस का क्या लेते हो, सेम लेते हो ना, इसके लिए चार्ज एलिमेंट क्या होगा, dv हो जाएगा. छोटा सा वॉल्यूम ना, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम इज 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, यही होगा ना.
इसके कैसे क्या छोटा सा, इसके क्या लेंथ होगा, इसके कैसे होगा स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम इज द चार्ज एलिमेंट ना, क्लियर। सो फॉर रिंग सॉर फॉर डिस्क चार्ज एलिमेंट विल बी ए रिंग ना, बिकॉज दिस डिस्क इज मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग ना। सो फॉर डिस्क इफ दिस इज अ डिस्क योर चार्ज एलिमेंट विल बी ए स्मॉल रिंग ना एट अ डिस्टेंस x ऑफ थिकनेस dx ना। सो इफ दिस इज अ डिस्क योर चार्ज एलिमेंट विल बी रिंग। क्लियर हुआ ये चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, यहां क्या लेना है एलिमेंट लेना है डीएल एलिमेंट। डीएल क्या होगा, इसके चार्ज एलिमेंट ए रिंग। सो कंसीडर ए रिंग एट अ डिस्टेंस आर एंड द रिंग इज ऑफ डी आर थिकनेस। उसका थिकनेस कितना बेटा डी आर थिकनेस का रिंग है, क्या है डी आर थिकनेस का रिंग है, कोई दिक्कत। सो ये आर सेंटर से आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का हमने रिंग हो गया, क्लियर। अब क्या होगा, ये डिस्क के बाबू तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, यहाँ सिग्मा होगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पॉइंट एरिया। तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब तुम्हारा डीएल क्या है बाबू, तुम्हारा लाइन एलिमेंट क्या है, चार्ज एलिमेंट क्या है, चार्ज एलिमेंट क्या है बेटे, चार्ज एलिमेंट इज व्हाट, चार्ज एलिमेंट क्या है रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर ना, यही है तुम्हारा चार्ज एलिमेंट। अब चार्ज एलिमेंट इज व्हाट, चार्ज एलिमेंट इज दिस ये वाला, ये चार्ज एलिमेंट है, क्लियर। इसका रेडियस कितना आर और थिकनेस कितना डी आर, तो इस पे चार्ज कितना होगा, इसका इतना एरिया होगा, उसे क्या करेंगे सीमा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डी क्यू चार्ज ऑन दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, यही होगा ना, ये होगा क्या उसका एरिया, 2 पाई आर क्या है 2 पाई आर लेंथ और डी आर से मल्टीप्लाई करते क्या होगा इसका एरिया मिल जाएगा इनटू सिग्मा। सो दिस इज डी क्यू, दिस इज डी क्यू, इधर ओके इधर ओके। सो ये तो मालूम है बात, इफ देयर इज अ रिंग, देयर इज अ रिंग एंड द रेडियस इज आर एंड एट अ डिस्टेंस x इधर द पॉइंट p, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है रिंग के केस में, ये रिंग है तो क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square plus x square। दिखा नहीं दे रहा है, बाकियों को बाकी को दिख रहा है, दिख रहा है ना, yes, तो तेरा मिनट और किस हुए फिर। So, ये हो गया, यानी कि अगर रिंग है और रिंग से x डिस्टेंस पे पॉइंट है तो वहां पोटेंशियल क्या होगा 1 / 4 पे एप्सिलॉन नॉट डी q / x स्क्वायर प्लस का टू पावर हाफ। तो अब क्या लिया बेटा, तुमने यहां एक रिंग लिया है ना, छोटा सा रिंग, उसका चार्ज कितना है dq और कितना इतना चार्ज, यानी इस रिंग पे चार्ज कितना है और इस रिंग से x डिस्टेंस पे पॉइंट है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, क्लियर। सो क्या अब क्या कि चार्ज बहुत छोटा है, पोटेंशियल भी क्या होगा बहुत छोटा। सो dv विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq के बाद क्या लिखेंगे बेटा 2 पाई r dr सिग्मा अपॉन एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस लेना है ना, ये वाला यही है ना, ये वाला डिस्टेंस है, ये कितना होगा, ये x है, ये r है, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ना, सो हो जाएगा रूट अंडर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, क्लियर। यानी कि दिस द पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल रिंग ना, चार्ज रिंग एलिमेंट। अब हमने क्या किया, पूरे का पोटेंशियल फाइंड करना, तो वी विल इंटीग्रेट दिस ना, वी विल इंटीग्रेट दिस, क्लियर। तो मेरे पास योर ये दिस इज योर डिस ऑफ रेडियस आर एंड हमने क्या लिया था, एक स्मॉल रिंग लिया था ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, क्लियर। तो वह बाबू क्या हुआ था, डी क्यू कितना आया था 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, सो
अल्फा 2 पाई सिग्मा आर डी आर. सो पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस पी, सो एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर वी क्या था बाबू, स्मॉल पोटेंशियल डी वी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन रूट अंडर आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना. सो क्या डी क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन प्लेस ऑफ डी क्यू कर राइट 2 पाई सिग्मा आर डी आर क्लियर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना. सो दिस इज डी वी, दिस इज डी वी. नाउ सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट. नाउ वी विल फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क. तो क्या करेंगे बाबू, योर वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा आर डी आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट, सो व्हाट. अब देखो यहाँ आर है यहाँ डी आर है, मतलब कि क्या हो, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में. सो आर इज द वेरिएबल वन ना, आर इज द वन वेरिएबल आर अंदर क्वांटिटी आर इज टू बी कांस्टेंट. सो बाकी को बाहर लोगों क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा इधर लिखते हैं अपन. सो योर वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा को बाहर ले लो, बच के क्या बेटा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी पावर हाफ. सो दिस इज द इंटीग्रेशन एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन. सो व्हाट, 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एंड इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी पावर हाफ. सो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, आर डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्लियर. देयर इज अ चेन रूल, चेन रूल होता है मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं. लेट अस अज्यूम करो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्लियर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. सो व्हाट क्लियर, सो 2 आर डी आर इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा क्योंकि एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, ये रूल होता है. मतलब इसके बदले किसी और वेरिएबल से यानी रिप्लेस दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद अदर वेरिएबल क्लियर. तो क्या होगा, 2r dr इक्वल टू dt हो जाएगा ना. ये सब पढ़े हो 11th में, हां तो मैं मान के चल रहा हूं तुमने 11th में पढ़ा हुआ है क्लियर. सो व्हाट, dr विल बी इक्वल टू r dr को निकाल ही सकते हैं dt अपॉन 2 ना, हां 2 ना 2r में r dr हमारा यस स्क्वायर है ना, 2r dr होगा ना r. ये बात समझिए, ये 11th में पढ़ना है और जिसने मैं जिस इसको मैंने पढ़ाया था उसको पता होगा. ज्योति तुम्हें समझ आ रहा है, ज्योति 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 है, ये डिफरेंशियल क्लियर हुआ तुम्हें, हाँ जो 11th में पढ़ा होगा मेरे से उसको क्लियर हुआ होगा. बाकी के बच्चे गुड. सो व्हाट, 2r dr, सो r dr इज इक्वल टू dt अपॉन t ऑफ dt अपॉन 2. अब क्या होगा बेटे, इसको करो यानी इन प्लेस ऑफ r dr यू कैन राइट dt अपॉन 2 ना. तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एंड इन प्लेस ऑफ आर डी आर यू कैन राइट डी टी अपॉन 2 एंड इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू कैन राइट टी टू डी पावर हाफ. कोई दिक्कत, क्लियर. सो अब कर लो, हो जा रहा है 2 पाई सिग्मा और लिमिट अभी पुट नहीं करेंगे, लिमिट बाद में पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा ये बाबू 2 को फिर बाहर ले लो सो इनटू 2 इंटीग्रेशन टी टू डी पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी टी हो जाएगा ये. अब x टू डी पावर का इंटीग्रेशन है तो क्या होगा, ये 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2 2 इनटू एंड t टू डी पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय t टू डी पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 इधर हो गया और लिमिट पुट कर देंगे. लिमिट हम बाद में, लिमिट ले लो यार, r का लिमिट कहां से कहां होगा ये बताओ, r का लिमिट कहां से कहां जाएगा, r का लिमिट 0 टू कैपिटल r, 0 टू कैपिटल r ना, करो ना. लेकिन इसलिए लिमिट नहीं पुट कर रहा हूं ना मैं, क्योंकि होगा क्या कि आप तुमने वेरिएबल चेंज कर दिया तो लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बाद में पुट कर देंगे आप, बाद में अपन पुट कर देंगे लिमिट क्लियर. सो लिखो इसको, लिखो कर लिया सबने, कर लिया ना, हमको आप करो यार आगे कराऊंगा, कर लिया गुड क्लियर, सबने कर लिया गुड. सो
So your V is equal to, यार काटो ना, टू से टू काट दो इधर, तो बचेगा क्या, पाई सिग्मा अपॉन, थोड़ा अब फिगर को हटाओ यार, ये सही से इसको हटाओ, बहुत हो गया ना का थोड़ा सा पॉइंट भी पास में लगा बहुत। सो वी पी इजकल टू, टू से टू काट दो तो क्या होगा, पाई सिग्मा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, और ये होगा बाबू टी टू डी पावर वन बाई टू बाई वन बाई टू, कोई दिक्कत, लिमिट हम पुट करेंगे अपन। अब देखो होगा क्या, पाई सिग्मा फोर पाई एप्सिलॉन, और ये होगा वन बाई टू बाहर लोगे तो क्या ऊपर टू चला जाएगा ना, होगा क्या टी टू डी पावर वन बाई टू, एंड इन प्लेस ऑफ टी यू कैन राइट टी के लिए क्या एज्यूम किया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, सो टू पाई सिग्मा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट पुट करेंगे अपन आर का, आर कहाँ आगे जीरो टू आर, कोई दिक्कत बोलो, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, इतना आराम से पढ़ा रहे हो तो दिक्कत कैसे होगा। सो व्हाट वी पी इज इक्वल टू, अब देखो पाई से पाई काटा यार टू हो जाएगा, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन क्लियर, एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जीरो टू आर, होगा क्या सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो रहा है ये, ओ हाफ यार तुम लोग हाफ लगवाओगे यहाँ, बहुत गलत आदमी हो, सब बहुत गलत आदमी हो, कोई नहीं पढ़ता है घर से, अरे वन बाई टू ही तो आएगा यार, अजीब सा रिजल्ट आ रहा है, जब कैलकुलेशन में रिजल्ट इधर उधर आने का समझ कुछ ना कुछ तो हुआ किया तुम लोगों ने, ठीक है तो ध्यान दो, अजीब सा रिजल्ट आता। सो वी पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, अब करो क्या होगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी पावर हाफ माइनस एक्स स्क्वायर टू डी पावर हाफ, यही होगा ना, यही होगा ना, क्योंकि जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो एक्स बचेगा ना, आर ये बात समझता चलो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन ठीक है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी पावर हाफ माइनस एक्स, यही आएगा इधर क्लियर, रिजल्ट सही है ना। सो दिस इज दिस इज योर पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्लियर, एक्स इज द रेडियस, आर इज द रेडियस एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क वेयर यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल, वेयर यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल, सो दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल, क्लियर। अब देखो बाबू चेक कर लेना आंसर, मुझे खुद याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं होगा ये सर, सो दूसरा होमवर्क करके भेजोगे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, दैट इज वेरी नाइस, मजा आएगा तुम्हें, करो घर पे दोनों वाले बॉस ही लगेगा, क्लियर। अब स्पेशल मेथड ले लो यार, एट सेंटर, एट सेंटर, एट सेंटर मींस x इज इक्वल टू 0 पुट करो, सो वी वी विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और क्या होगा 0 0 गैप कर दो क्या होगा r स्क्वायर टू डी पावर हाफ ना, यही होगा ना, अरे पको सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन पर आर, तो ये हो गया सेंटर, मान लो इसको इसको भी सेंटर बोलो, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सॉरी कर लिया, कर लिया ना, बोलो। सो नाउ नाउ एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, सो दिस इज द फॉर्मूला, अब इनफाइनाइट वाला चेक कर लेते हैं, इनफाइनाइट वाला चेक कर लो यार, सो दिस इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट,
सो सेंटर वाला देख लिया. नाउ इफ 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 एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर तब क्या होगा, यानी कि पॉइंट क्या होगा, बहुत दूर है. इसी केस में क्या होगा, दिस कैन बी अज्यूम टू बी पॉइंट ना, पॉइंट पार्टिकल. अब तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया एक्स, एक्स क्या बहुत ज़्यादा है, क्लियर करो. ये क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा इसको, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस एक्स. बाइनोमियल एक्सपेंशन करो इसका, तो होगा क्या, करो इसको पॉइंट पार्टिकल में क्या होगा, वी पी इजकल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आर, कॉमन ले लो तुम, एक्स स्क्वायर कॉमन लो या आर स्क्वायर कॉमन लिया जाए, वन प्लस अल्फा एक्स, आर स्क्वायर कॉमन लो, सो आर स्क्वायर कॉमन लो कितना होगा, आर स्क्वायर कॉमन लो तो इधर हाफ है ना, तो आर हो जाएगा बाहर, तो बचेगा कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू डिपॉर हाफ माइनस एक्स, यही आएगा ना, ये आएगा ना, तब कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये आर, ये होगा वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले, आर स्क्वायर कॉमन ले, रुको एक्स स्क्वायर कॉमन लो, फिर निगलेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं. अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो कितना होगा, वी पी इजकल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये होगा बाबू एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू डी पावर हाफ माइनस एक्स, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना, सुवर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये होगा वन प्लस, सॉरी एक्स होगा, यहाँ एक्स होगा, वन प्लस एन एक्स, तो वन अपॉन टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, आ रही बात समझ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, माइनस एक्स, माइनस एक्स, कोई दिक्कत, आ रही बात समझ, क्योंकि अब हायर ऑर्डर पर डिवाइड कर रही, क्योंकि क्या होगा, ये होता है ना वन प्लस एक्स टू डी पावर एन, तो होता है क्या, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, यही होता है, फिर डॉट 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 करते जाओगे, तो क्या वन पहला टर्म, दूसरा एन एक्स, एन की जगह वन बाई टू, एक्स की जगह ये रखोगे, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, ये फोर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, अब दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी लार्ज, तो थर्ड टर्म क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, दैट गोज टू जीरो, आ रही बात समझ, ये बोलो समझ आई चीज है, बाकी के बच्चे थम को आप करो, ये क्लियर हुआ था कैसे निगलेक्ट करें हायर ऑर्डर टर्म को, क्लियर सोवियन एन के हायर ऑर्डर टर्म, क्लियर, अब बाबू करो इसको, सो इधर रिलैक्स करके कर रहा हूँ, सो व्हाट योर वी पी इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, अब देखो एक्स प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स कर, कोई दिक्कत है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, कोई दिक्कत, और फिर माइनस एक्स, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, तो ये काट दो, कितना बचेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन एक्स, अब क्या करो कि इसको मैनिपुलेट करो थोड़ा सा, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्म चाहिए ना, कि अगर ये पॉइंट एलिमेंट है, अगर एक्स इज वेरी लार्ज डिस्टेंस पे, तो ऐसा कुछ आना चाहिए, बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स, ऐसा कुछ आना चाहिए फॉर्मूला, तो मैनिपुलेट करोगे आएगा, देखो कैसे, तो क्या होगा कि सिग्मा बाबू, क्लियर, सिग्मा इन टू, अगर मैं करूँ सिग्मा और फोर पाई आर स्क्वायर, तो नीचे भी फोर पाई से मल्टीप्लाई करके, और टू सिग्मा एप्सिलॉन और एक्स, एक तो कोई परेशानी है, फोर पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, करते सेम आ गया ना, दिस इज वाट, दिस इज फोर, क्या करो, सॉरी, अरे यार सर्किट का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई से मल्टीप्लाई करो यार, क्या कर दिया मैंने, पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी क्या कर दो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अब क्या होगा, पाई इंटू सिग्मा कितना हो जाएगा,
जो पाई एस का एरिया हो जाएगा सिग्मा का क्यू ऊपर हो जाएगा, क्लियर? क्यू ऊपर कुछ मिसिंग भी है, टू यहाँ मिसिंग है ना यार, यहाँ टू मिसिंग है ना, तुम लोग ध्यान। तो क्या होगा यहाँ, यहाँ टू आ जाएगा तो होगा क्या, ऊपर क्यू क्यू और नीचे क्या होगा, टू टू जा फोर, फोर पाई एप्सिलॉन एक्स। आया कि नहीं आया बोलो? ये पहले क्लियर हुआ ही है, देख रहे हो पॉइंट पार्टिकल कितना आ गया कि नहीं, बोलो? नहीं बोलेंगे आप? आ रही है बात समझ, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? देखो रिजल्ट कुछ मुझे कोई याद नहीं है, रिजल्ट मैं जो भी करता हूँ यही करता हूँ सामने, क्लियर? और अगर कंसेप्ट आता है तो तुम भी यही करोगे, क्लियर? कंसेप्ट आता तुम भी यही करोगे, याद और कुछ नहीं करना होता है, सामने बैठो और करो, तुम्हें थोड़ा बहुत कंसेप्ट मालूम है, रूट खुलता जाएगा, करते जाओ खुलता जाएगा, करते जाओ, कहीं गलती करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, अगर कंसेप्ट है और गलती करोगे तो मालूम पड़ जाएगी कि हाँ मैंने गलती किया है, अगर नहीं कंसेप्ट है तो फिर नहीं होगा। जैसे मुझे कैसे मालूम पड़ जाता है, मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, यहाँ फोर पाई आया, यहाँ टू पाई आ रहा था, तो फिर चेक कर लिया कहाँ गलती है, क्लियर? इसके पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन में उल्टा ले रहा था तो अजीब सा वियर्ड सा आंसर आया था, क्योंकि जो चीज मैंने बताया स्टार्टिंग में पढ़ा है कि इफ डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज देन एनी एलिमेंट कैन बी जॉइंड टू पॉइंट पार्टिकल, तो ये फॉर्मेट फॉर्मूला आना ही चाहिए, रिजल्ट आना ही चाहिए, इससे तुम इधर उधर डेविएट करो क्या होगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू चेक दैट, क्लियर? सो ये कांसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए और बेसिक से काम करोगे, कोई दिक्कत होगा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, एंड यू कैन चेक दैट एंड यू कैन एंड रिफॉर्म दैट, क्लियर है कि नहीं? सो ये होना चाहिए। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज दिस एट द सेंटर एंड इन बिटवीन एट द इनफिनिट एंड इन बिटवीन द सेंटर एंड द इनफिनिट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखो। अभी तक कोई, अभी इसमें कोई किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो बोले, बोलो, क्लियर? सबको थंब अप कर दो, फिर मैं देख लूं एक बार स्क्रीन और फिर मैं बाइंड अप करूंगा, क्लियर? बाकी के बच्चे, क्लियर? बाकी के बच्चे ठीक है बेटे, लिख लो, कल फिर क्लास करेंगे, और होमवर्क मुझे चाहिए आज के आज भेजोगे, इवनिंग तक टाइम है, सॉल्यूशन करके मुझे सर।